राजस्थान रॉयल्स वर्सेस दिल्ली कैपिटल्स के बीच खेले गए आईपीएल के 34वें मुकाबले के आखिरी ओवर में जबरदस्त हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला। जी हां, दरअसल आखिरी ओवर के तीसरी गेंद को अंपायर ने नो बॉल नहीं दिया क्योंकि बॉल रोमन पॉवेल के कमर से ऊपर थी, जिसके बाद डगआउट में बैठे कप्तान ऋषभ पंत आग बबूला हो गए और उन्होंने उस समय क्रीज पर मौजूद अपने बल्लेबाज रोमन पॉवेल और कुलदीप यादव को मैच के बीच से ही लौटने का इशारा किया। कुलदीप कप्तान के कहने पर लौट ही रहे थे कि युजवेंद्र चहल दोस्ती निभाते हुए उन्हें ऐसा करने से रोकने लगे और कुलदीप को नॉन स्ट्राइक पर जाने के लिए ढकेलने लगे, क्योंकि चहल को पता था कि अगर मैदान छोड़कर गए तो मामला और भी बिगड़ सकता है।